नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा पांचवी के परिसर अध्ययन भाग एक में पाठ 12 सबके लिए भोजन इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख करके अच्छे तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्न उत्तर याद कर सकते हैं। ये पाठ 12 सबके लिए भोजन उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, अब क्या करना चाहिए, गमले में लगाया गया पौधा बढ़ नहीं रहा है। इसके उत्तर में आएगा पहला, गमले को ऐसे स्थान पर रखेंगे जहां उसे सूर्य का पर्याप्त प्रकाश मिले। दूसरा, गमले की मिट्टी में जैविक खाद डालकर मिट्टी को खुरपी से खोदकर खाद को मिश्रित करेंगे। तीसरा, किसी विशेषज्ञ की राय लेकर उचित प्रकार से पौधे की सेवा करेंगे। चौथा, पौधे में प्रतिदिन सही मात्रा में पानी डालेंगे। पांचवा, सही समय पर उसकी छटाई करेंगे। और छठवां, पौधे को ध्यान पूर्वक देखकर यह विश्वास करेंगे कि कहीं उस पर किसी पराश्रयी के कीड़े इत्यादि तो नहीं है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, थोड़ा सोचो, घर में खाद्यान्नों का संग्रह क्यों किया जाता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, घरों में खाद्यान्नों का संग्रह करने से बार बार बाजार नहीं जाना पड़ता। दूसरा, कुछ पदार्थ एक निश्चित मौसम में ही मिलते हैं इसलिए उन्हें भी वर्ष भर के लिए सुरक्षित करके रखना पड़ता है। तीसरा, कभी कभी बाजार बंद रहती है, उस समय घर में खाद्यान्न रहने पर असुविधा नहीं होती। चौथा, घर में अचानक अतिथि आ सकते हैं, उस समय संग्रहित खाद्यान्न का उपयोग आसानी से होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, सही या गलत लिखो, गलत कथनों को सुधार कर लिखो। उसमें से पहला है, खेती करने की केवल एक ही विधि है। इसके उत्तर में आएगा यह कथन गलत है, खेती करने की बहुत सी विधियां हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। इसके उत्तर में आएगा सही। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, सुधारित बीजों का उपयोग करने पर उत्पादन में वृद्धि नहीं होती। इसके भी उत्तर में आएगा गलत, सुधारित बीजों का उपयोग करने पर उत्पादन में वृद्धि होती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, सुधारित बीजों के उपयोग द्वारा कौन कौन से लाभ होते हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, सुधारित बीजों से अधिक उत्पादन मिलता है। दूसरा, सुधारित बीजों की फसलें तेजी से बढ़ती है। तीसरा, सुधारित बीज वाली फसलों में कीड़े नहीं लगते। और चौथा है, सुधारित बीजों की फसलें कम पानी देने पर भी भरपूर उत्पादन देती है। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, सिंचाई की सुधारित विधियां कौन सी हैं, उनसे होने वाले लाभ कौन से हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, टपक सिंचन तथा फुहार सिंचन सिंचाई की सुधारित विधियां हैं। दूसरा, इन विधियों से सिंचाई करने पर फसलों की जड़ों को आवश्यक पानी मिलता है। तीसरा, पानी का अपव्यय नहीं होता। चौथा, उपलब्ध पानी का पूरा उपयोग होता है। और पांचवा है, जमीन में खारापन उत्पन्न नहीं होता। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, टपक सिंचन विधि का वर्णन करो। इसके उत्तर में आएगा, टपक सिंचन विधि में फसलों को बूंद बूंद के रूप में पानी दिया जाता है। इस सिंचन में छिद्र युक्त पाइप का उपयोग करते हैं। इन छिद्रों द्वारा फसलों की जड़ों को पानी मिलता है, उपलब्ध पानी का पूरा उपयोग होता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, बढ़ती हुई फसलों को कौन कौन से कारणों से हानि पहुंचती है। इसके उत्तर में आएगा, बढ़ती हुई फसलों में कीड़े लग सकते हैं, फसलों में रोग भी लग सकते हैं, समय पर सिंचाई न करने पर भी फसलों को हानि पहुंचती है, पक्षियों और घुमंतु जानवरों द्वारा भी बढ़ती हुई फसलों की बर्बादी की जाती है, इसके अतिरिक्त कोहरे और ओले पड़ने पर भी बढ़ती फसलों को हानि पहुंचती है। अब अगला करते हैं। पांचवे प्रश्न में क्या दिया गया, फसलों की हानि होने से बचाने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं। इसके उत्तर में आएगा, फसलों को हानि होने से बचाने के लिए पहला, उन्हें सही समय पर सींचते हैं। दूसरा, कीड़ों तथा रोगों से बचाने के उपयुक्त दवाओं का छिड़काव करते हैं। तीसरा, उन्हें सही मात्रा में खाद भी देते हैं। अगला करते हैं। पांचवे में क्या दिया गया, किन कारणों से जमीन का कस या उर्वरता कम होता है। इसके उत्तर में आएगा, जमीन में आवश्यकता से अधिक खादें डालने और पानी के अत्यधिक उपयोग से जमीन का कस या उर्वरता कम होता है। इसी प्रकार जमीन से बार बार एक ही प्रकार की फसल बोने से भी उसका कस कम होता है। अब अगला करते हैं। सातवें में क्या दिया गया, आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा खेती की विधि में कौन से परिवर्तन हुए हैं। इसके उत्तर में आएगा पहला, आधुनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर सुधारित बीजों का उपयोग करके। दूसरा, सिंचाई की आधुनिक विधियों का उपयोग करके। तीसरा, उचित अनुपात में जैविक खादों का उपयोग करके। चौथा, कीटनाशकों का सही उपयोग करके। और पांचवा, कृषि सहायक केंद्रों द्वारा खेती संबंधी जानकारियां और जलवायु का अनुमान करके खेती की विधि में परिवर्तन किए गए हैं। अब अगला करते हैं। आठवें में क्या दिया गया, अनाजों को कौन कौन सी विधियों द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है।
इसके उत्तर में आएगा अनाजों को सुरक्षित रखने की विधियां। पहला, अनाज को तेज धूप में सुखाना। दूसरा, अनाज के संग्रह वाले स्थान पर कीटनाशक का छिड़काव करना। तीसरा, अनाज में नीम की पत्तियां डालना। चौथा, संरक्षक दवाओं के पुड़ियों को अनाज के अंदर रखना। पांचवा, अनाज के संग्रह वाले स्थान को शुष्क करना। और छठवा, अनाज तक हवा का आवागमन बनाए रखना। अब अगला करते हैं, नवे प्रश्न में क्या दिया गया, खेती के लिए आवश्यक पानी कहाँ से उपलब्ध कराया जाता है। इसके उत्तर में आएगा, निम्नलिखित स्रोतों से खेती के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध कराया जाता है। पहला, सबसे अधिक बरसात का पानी। दूसरा, बरसात के अतिरिक्त नदियों, तालाबों तथा कुओं के पानी का उपयोग किया जाता है। तीसरा, बांधों के पानी का भी खेती के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, पांचवे प्रश्न में क्या दिया गया, जोड़िया मिलाओ। यहाँ पे समूह अ दिया गया, समूह ब दिया गया, इसका जोड़िया मिलाना है। इसके उत्तर में आएगा, पहला, नम या आर्द्र हवा में खाद्यान्न संग्रह, फफूंदी लगना। दूसरा, शुष्क हवा में खाद्यान्न संग्रह, खाद्यान्न में फफूंदी न लगना। और तीसरा है, खाद्यान्न भंडार में औषधियां रखना, कीड़े चींटियां न लगना। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 12 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।